अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 फॉर्म्स के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स। कोई भी विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है, यानी कोई इनपुट अगर आपने लेना है, तो आप किस तरह से लेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं जिक्र करता चलूँ, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिशनली द टर्म फॉर्म हैज़ रेफर टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेसेस टू फिल इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि जी वो एक, अगर फॉर्म जब सुनते हैं तो हमारे जहन में एक पेपर आता है जिसके ऊपर वो खाने बने हुए होते हैं लिखने के लिए। HTML borrows द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म टू रेफर टू डिफरेंट एलिमेंट दैट अलाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विजिटर्स। कह रहे हैं कि जी HTML भी जो है ना, वहीं से कॉन्सेप्ट को बोरो करता है कि खाने बने हुए होंगे लिखने के लिए और आप वहाँ लिखोगे, और उसके लिए इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स डिवाइस किए हुए हैं कि किस तरह के इनपुट के लिए किस तरह का खाना है। क्योंकि पेपर वाले फॉर्म पे भी क्या होता है, कहीं पर टिक लगाने के लिए बॉक्स बना हुआ होता है, और कहीं पे जो है वो लेटर्स लिखने के लिए स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, कहीं पे लेटर लिखने के लिए सीधी लाइन होती है। तो डिफरेंट तरह के इनपुट के लिए डिफरेंट तरह का खाना बनाया जाता है, तो इसी तरह HTML में भी डिफरेंट तरह के खाने बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बात नोटिस करने की कि हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत है ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे इसने बोला ना कि आपके विजिटर जो भी आएगा आपकी वेबसाइट पर, उससे इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कौन मुझे ये बताएगा कि वेबसाइट पे मुझे यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत है ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? सर्वे फॉर्म हम बना सकते हैं। अच्छा जी, और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब नंबर वगैरह, एड्रेस, अगर वो कोई चीज़ बाय करे हमारे वेबसाइट से तो उसका एड्रेस नंबर, ये सही है। अच्छा, तो दोस्त ने कहा कि यार हमें अगर कोई बाय करता है, कोई ऑर्डर वगैरह प्लेस करता है, तो उससे मुझे डिटेल तो लेनी पड़ेगी कि उसका एड्रेस क्या है, जब ही तो वहाँ पे भेजेंगे हम। ठीक है, इसी तरह फेसबुक में भी दोस्त ने कहा कि यार फेसबुक पे भी जब जाते हैं साइनअप करने के लिए तो मुझसे वो ईमेल वगैरह पूछता है पहले साइनअप करते हुए, तो फिर ही वो साइनअप करने देता है। अच्छा, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, क्योंकि आप लोगों ने उस दौर में आँख खोला है कि जब ये चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी थी। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि जब वेबसाइट शुरू शुरू में आई थी तो इस तरह की नहीं होती थी। ठीक है, हम जो इस वक्त जी रहे हैं वो सेकंड जनरेशन ऑफ वेबसाइट में देख रहे हैं ना, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वेबसाइट की, जिसको वेब 1.0 कहते हैं, उसके अंदर क्या होता था कि यूज़र से इनपुट लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। सही है, यूज़र जस्ट एक पंफलेट की तरह उसको देखता था वेबसाइट को, और दैट्स इट। तो उसमें कोई इनपुट वगैरह का ऑप्शन कुछ भी नहीं होता था। हाँ, उसमें ये बेनिफिट होता था कि अच्छा जी, किसी फ्रिज की दुकान की वेबसाइट है, या फ्रिज टीवी बेचने वाला कोई है उसकी वेबसाइट है अगर, या कोई हेयर ड्रेसर है उसकी वेबसाइट है, तो वो क्या कर सकता था कि वक्तन फवक्तन वो रेट्स वगैरह उस पर चेंज कर सकता था। ठीक है, कि जी रेट चेंज कर दिए, थोड़े से अपडेट वगैरह कर दिए, दैट्स इट। तो अच्छा, जो देखने वाला बंदा था उस वेबसाइट को, विज़िट करने वाला जो विज़िटर था, उसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता था कि वो उस वेब पेज से या वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सके। इंटरेक्शन का कोई ऑप्शन उसमें नहीं होता था। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। अच्छा, तो फिर आ गया वेब 2.0। वेब 2.0 जो था उसके अंदर क्या हुआ कि यूज़र से इनपुट लेना शुरू हो गया। ठीक है, यूज़र अब उसमें इंटरेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आती है, आप उस को लाइक का बटन दबा के लाइक कर देता है, वो लाइक आपका काउंट हो जाता है, और वो बाकायदा और जो क्रिएटर है उसको दिखता भी है कि अच्छा जी फला नाम के बंदे ने मुझे लाइक किया है यहाँ पे, और आप साथ में नीचे कमेंट भी कुछ प्लेस कर देते हैं कि जी अपना रिव्यू दे देते हैं वीडियो के बारे में कि जी मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप एक कमेंट भी लिख देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें ये वेब 2.0 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये वेब 1 के अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो जितने भी तरह के इनपुट लिए जाते हैं वेबसाइट पे, जिसमें वो चाहे वो लाइक का बटन हो, चाहे वो साइन अप का फॉर्म हो, चाहे वो आप लॉगिन हो रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा जो ये आइटम है ना, ये वेब 2.0 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। 1 में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता था। अच्छा, और इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है, इस तरह की जो वेबसाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो एक जस्ट एक वेबसाइट नहीं होती है वो, बल्कि वो पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, वेब पेज या वेबसाइट क्या होता था जो वेब 1.0 के अंदर, वो जस्ट उसको देखते थे आप, दैट्स इट, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे ना, उसमें आप मतलब किसी चीज़ पे क्लिक भी नहीं कर सकते, मतलब क्लिक कर सकते थे लेकिन वो क्लिक इस तरह का होता था कि वो आपको किसी दूसरे पेज पे ले जाता था, ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि वो क्लिक करने से कुछ लाइक हो गया या कुछ कमेंट हो गया, इस तरह की कोई चीज़ उसमें नहीं होती थी, या आप उस पर साइन अप वगैरह लॉगिन वगैरह ये चीज़ें नहीं कर सकते थे, सिंपल से जो है ना वो वेब पेजेस होते थे, ठीक है। तो आज की जो वेबसाइट है, आज के जो वेब पेजेस हैं, दैट इज़ नॉट जस्ट अ वेब पेज, दैट इज़ अ कम्प्लीट एप्लीकेशन। जैसे आप जाते हैं, आपने गूगल पे जाके लिखा टेम्परेचर कन्वर्टर, तो वो आ जाता है, कोई ना कोई वेबसाइट आ जाती है जो आपको कन्वर्टर बना के दिया हुआ होता है, तो वो दैट इज़ नॉट जस्ट अ वेबसाइट, दैट इज़ एन एप्लीकेशन। उसमें आप एक इनपुट देते हैं टेम्परेचर, उसको वो कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट सामने ही दिखा देता है, ठीक है। या आप कोई कोई आजकल बैकग्राउंड रिमूवर वाली वो चल रही है ऐप ना, कि जी फोटो से बैकग्राउंड रिमूव करनी है, तो आप क्या करते हैं कि जाके गूगल पे लिखते हैं remove.bg, हाँ, बैक ग्राउंड रिमूवर, और ये हाँ ये remove.bg आ गया, सही बताया तुमने। अच्छा, और ये अब ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ वेबसाइट, दिस इज़ अ होल कंप्लीट एप्लीकेशन। अपलोड इमेज का बटन दबाया मैंने, तो मेरे पास ये आ गया जी अपलोड इमेज का कुछ। मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और जाके कोई यहाँ से ना, हाँ चलो ये कार की फ़ोटो है ना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, ये इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, और अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करके अब मैं जाके बैकग्राउंड उसमें देखता हूँ, डाउनलोड्स में ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, पहले ये पिक्चर ऐसी थी अभी ऐसी हो चुकी है, सही है यार, है ना। तो इस तरह की जितनी भी इस तरह की जितनी भी वेबसाइट है जिसमें इनपुट लिया जाता है, इनपुट ले रही होती है आपसे, वो दैट इज़ कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, ये जस्ट एक वेब पेज, ये इसको ये पम्फलेट की हैसियत नहीं है इसकी, ये क्या है, पूरा का पूरा एक वेब एप्लीकेशन है। अच्छा, प्लस एक और भी चीज़ समझ लें बहुत अच्छी तरीके से, कि वेब पेजेस को हटा के बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस भी हैं उनको भी अब मैं शामिल करने जा रहा हूँ इस डेफिनेशन के अंदर, कि दुनिया की जितनी भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो जो अप्रोच फॉलो करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो दैट इज़ कॉल्ड IPO मॉडल। ठीक है, IPO मॉडल स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट, दुनिया का हर सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं आपसे इनपुट ले रहा होता है, बगैर इनपुट लिए कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं हो सकता, वो चल ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे जैसे व्हाट्सएप इज़ अ सॉफ्टवेयर, है ना, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, सब लोग एग्री हैं इससे। अच्छा, तो व्हाट्सएप आपसे, आपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना होता है किस चीज़ के लिए, किसी से बात करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, वो कम्युनिकेशन खुद से तो नहीं करेगा व्हाट्सएप कभी भी, आप उसको कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और आपके इनपुट को ही वो आगे प्रोसेस करके और कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है, जो भी इस जिस टास्क के लिए इसको बनाएगी उसको परफॉर्म करता है। अच्छा, तो आपसे क्या इनपुट लेता है व्हाट्सएप, दो चीज़ें आपसे इनपुट लेता है, एक जिस बंदे को आपने भेजना है वो मैसेज, वो कौन है बंदा, वो आप मेंशन करते हैं कि ये बंदा है इसको भेजना है। अच्छा, फिर वो एक्चुअल मैसेज जो आप भेजना चाह रहे हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकता है कुछ, तो ये दो चीज़ें आपसे व्हाट्सएप इनपुट लेता ही लेता है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरीके से मैंने जो अभी एप्लीकेशन खोली थी बैकग्राउंड रिमूवर वाली, उसने भी क्या किया, मुझसे एक आधा इनपुट मांगा उसने, क्योंकि वो जब तक इनपुट नहीं दूंगा मैं उसको, तो उसको पता ही नहीं लगेगा क्या करना क्या है। वैसे तो बता दिया उसने कि ये बैकग्राउंड रिमूव होता है, लेकिन जब तक मैं उसको कोई फ़ोटो नहीं प्रोवाइड करूँगा वो कैसे किसी का बैकग्राउंड रिमूव करेगा। ठीक है, तो उसको मैं एक फ़ोटो दूंगा तो उस फोटो पे वो कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो इसी अप्रोच पे चलते हैं। ये अप्रोच ऐसी अप्रोच है कि इसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, इनपुट हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। अच्छा, फिर उसको इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और उसका फिर सामने से आउटपुट आता है। ठीक है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल लें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसका हमें अल्टीमेटली प्रिंट निकालना होता है, या उसको PDF में कन्वर्ट करके किसी को भेजना पड़ सकता है ना। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, जो हम टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड से,
हम उसको वो एक्चुअली इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, वरना उसको तो नहीं पता ना कि छुट्टी की एप्लीकेशन में क्या बहाना बनाना है तो वो हमें बताना पड़ता है उसको कीबोर्ड से। तो उसके बाद क्या होता है, अच्छा प्रोसेसिंग के अंदर मुझे उसको किसी को बोल्ड कर दिया, हेडिंग लगा दी, कलर शलर लगा दिए, दैट इज़ ऑल काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। अच्छा अल्टीमेटली हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट हमारा जो आउटपुट होता है या उसको PDF फाइल बना लेते हैं उसकी हम प्रिंट सम टाइम अगर नहीं करते तो हमारा आउटपुट होता है। तो हर सॉफ्टवेयर का क्या होगा, इनपुट होगा, उस इनपुट को वो कहीं ना कहीं प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो आउटपुट देगा। अच्छा अब कोई आप में से कोई बंदा सॉफ्टवेयर का नाम बताया जो डेली यूज़ कर रहे होते हैं आप, उसमें हम ये चेक करते हैं कि वो भी क्या इस अप्रोच के अंदर दाखिल है या वो नहीं करता। कोई एक सॉफ्टवेयर बताओ जो डेली बेसिस पे यूज़ करना पड़ता है आप आप लोगों मैं को, बता सकते हैं है? फेसबुक है, फेसबुक हाँ मैंने एक अपना, वेबसाइट बनाया लेकिन हाँ वो मेरे ख्याल से 1.0 का है, मतलब अच्छा कोई इंटरेक्शन नहीं है उसका। अच्छा नहीं सॉफ्टवेयर कोई ऐसा बताओ जो डेली यूज़ करना पड़ता है। फेसबुक, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, हाँ लिंक्डइन, ChatGPT। ChatGPT क्या करता है, हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो उसका इनपुट है, उसको समहाउ पता नहीं क्या करता है उसके साथ जादू, उसका जवाब बना के देता है। तो इनपुट और आउटपुट है, जब तक उससे सवाल पूछेंगे नहीं उसको क्या पता कि क्या बोलना है, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि दुनिया का जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब पे भी क्या होता है, कोई ना कोई क्रिएटर होता है जो उस पर वीडियो अपलोड करता है, ठीक है, जो कि उस सॉफ्टवेयर के लिए इनपुट साबित होता है, और हम एज अ यूज़र उसको जब सर्च करके देख रहे होते हैं तो हमारे लिए वो आउटपुट होता है, ठीक है। या अगर मैं एक प्योरली यूज़र के परस्पेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो यूज़र क्या करता है, एक YouTube.com पे जब जाता है उसके सामने वीडियोस आ जाती हैं बहुत सारी। अच्छा अब उसको कोई सर्टेन टाइप की वीडियो ढूंढनी है तो वो सर्च बार में कुछ ना कुछ टाइप करके उस सॉफ्टवेयर को बताता है कि मुझे ये वाली वीडियो ला के दो, और नतीजतन वो उस सामने वीडियो आपको ला के दिखा देता है अगर उसके पास मौजूद होती है तो। अच्छा फिर अगेन क्या होता है, तो ये देखो मल्टीपल इनपुट आउटपुट के साइकिल्स इसमें अब चल रहे होंगे ना, यानी वो तो मैंने ओवरऑल बात कर दी थी कि जी वो इनपुट ले रहा होता है, लेकिन वो जाहिर है वो मल्टीपल साइकिल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है। तो पहले तो सर्च करना एक इनपुट हुआ, उसका आउटपुट सामने रिजल्ट दिख गया, अब वो वीडियो पे भी प्ले कर दिया, अब वो वीडियो प्ले हो रही है, तो वो जो वीडियो मैंने जो क्लिक किया ना उसको प्ले करने के लिए, दैट वाज एन इनपुट यार, है ना, उसका आउटपुट क्या हुआ, वीडियो प्ले हो गई। अच्छा अब वो वीडियो प्ले हो रही है, अब मैंने मज़ीद कुछ उसको बात, मिसाल के तौर पर उस वीडियो को मैं स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं स्पीड पे क्लिक करके स्पीड बढ़ा दूंगा, दैट वाज एन इनपुट, नतीजे में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, तो दैट इज़ एन आउटपुट। तो ये मल्टीपल इनपुट आउटपुट के साइकिल एक्चुअली हर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं, चल रहे होते हैं, ठीक है। मैं उसको हाथ से ऐसे खींच के आगे कर दूंगा, दरमियान में वहाँ पर चला जाएगा वो, ठीक है। मैं उसके ऊपर लाइक का बटन दबा दूंगा, लाइक का जो बटन मैंने प्रेस किया दैट इज़ एन इनपुट, और जो उस मेरे क्लिक को उसने प्रोसेस करके समझ लिया अच्छा लाइक किया है और उसको डेटाबेस में स्टोर कर दिया और जो क्रिएटर था उसको दिखा भी दिया, दैट इज़ एन आउटपुट। और अगर मैंने कोई कमेंट लिख दिया वहाँ पे, कमेंट लिख के मैंने पोस्ट का बटन दबा दिया, कमेंट पोस्ट हो गया, तो वो मैंने कमेंट जो लिखा था वो मेरा इनपुट था और उसने उस कमेंट का जाहिर है हर किसी को नोटिफिकेशन भेज दिया, जो भी उस वीडियो के साथ एसोसिएट लोग थे उन सबको नोटिफिकेशन, उनको दिखा दिया वो कमेंट, दैट इज़ एन आउटपुट। तो मल्टीपल साइकिल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, हम कंटिन्यूसली कंप्यूटर से हम बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इवन हमारा जो लैपटॉप है इससे भी जो हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं कीबोर्ड और माउस के जरिए, दैट इज़ एन इनपुट, और ये स्क्रीन पर फिर हमें उसका रिजल्ट नज़र आ रहा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर से भी हम बात करते हैं। तो हम यार बात कर रहे थे कि यार हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर, तो हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि यार इनपुट यूज़र से लेने की ज़रूरत कब पड़ेगी हमें। तो हमें ये पता लगा कि जब भी हम इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेक्शन होगा कैसे वरना। तो इंटरैक्टिव और हम जो पढ़ रहे हैं वो वेब 2.0 पढ़ रहे हैं, हम वो 1 वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 2.0। अच्छा और कुछ लोग आपको 3.0 भी लिखते हुए नज़र आएंगे अपने पोस्टर पे, अपने ऐड पे, तो मगर वेब 3.0 अभी किसी को पता नहीं है कि वो क्या होगा, सही है। तो लोग लिख तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जितने भी रेवोल्यूशन जितने भी होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का रेवोल्यूशन हो, जब वो हो रहा होता है ना तो उस वक्त नहीं पता लगता, जब वो हो के ख़त्म हो जाता है फिर पता लगता है ना। मिसाल के तौर पे अचानक जब स्टीम इंजन बना होगा तो स्टीम इंजन बनाते वक्त तो वो बंदे को थोड़ी पता होगा कि ये मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहा हूँ। अच्छा तो वो तो क्या हुआ कि जैसे ही स्टीम इंजन बना तो एक दो फैक्ट्री वालों ने, सेठ ने देखा कि अच्छा यार ये तो अच्छी चीज़ है, तो फिर उसने भी लगाया, फिर उसने लगाया, तो उस तरह क्या हुआ, वो लाखों की तादाद में फैक्ट्रीज़ जो है ना उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया और एकदम उनकी प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट हो गई,
जहाँ पे वो दिन में 100 पीस शायद तैयार करते थे किसी चीज़ का, वहाँ पे वो लाखों की तादाद में पीस तैयार करने लग गए उस स्टीम इंजन की मदद से। ठीक है, ट्रैवलिंग हमारी जो है वो बड़ी स्मूथ हो गई स्टीम इंजन के आने के बाद। जो ये हमारे पास जो ट्रेन तो कभी भी पॉसिबल ना होती ना, अगर स्टीम इंजन नहीं आता तो ट्रेन कभी भी पॉसिबल ना होती। और एक शहर से दूसरे शहर लोग पहले घोड़े पे जाते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली ना, घोड़े पे या किसी और सवारी, जो भी यानी एनिमल्स को ही इस्तेमाल किया जाता था ऑब्वियसली, तो वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अब कराची से यहाँ तक पता नहीं कोई 1500-1800 किलोमीटर है ना, तो ये 1800 किलोमीटर तो घोड़े पे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। घोड़े की इतनी स्पीड नहीं होती ऑब्वियसली, एक मोटरसाइकिल की स्पीड घोड़े से ज़्यादा होती है, क्योंकि घोड़ा तो थक जाता है, मोटरसाइकिल थकती नहीं है, उसको चलाते रहो जितना मर्जी, थोड़ा स्लो ही चलती है जाहिर है वो, लेकिन वो अच्छी खासी है, आप डिस्टेंस तक उसको ले जाओ जहाँ तक आप नहीं थकते वहाँ तक वो भी नहीं थकती। तो ये सारा तो स्टीम इंजन की वजह से हुआ है। ये इस वक्त दुनिया में जितनी भी ट्रैवलिंग हो रही है वो सारा स्टीम इंजन की वजह से हो रही है। अच्छा, अब वो जाहिर है स्टीम इंजन का वो वाला वर्जन नहीं है, अब तो ज़रा अपग्रेड हो गया और अब उसको स्टीम की जगह उसमें गैस इस्तेमाल होती है, तो गैसोलीन करके उसमें पेट्रोल जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल होती है। लेकिन वो एक्चुअली अप्रोच आज भी वही है कि वो पेट्रोल को क्या करते हैं, उसमें वो आग लगाते हैं ना, एक हल्का सा ऐसे छींटा मारते हैं पेट्रोल का, उसमें आग लगाते हैं, तो वो पेट्रोल में आग लगती है ना तो पेट्रोल एवेपरेट होता है, उससे एक प्रेशर बिल्डअप होता है, तो वो उस प्रेशर से इंजन चल रहा होता है एक्चुअली। उस प्रेशर से वो धक्का लगता है, फिर वो अगला साइकिल है, फिर वो धक्का लगता है, 4 स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं कि वो एक एक दफ़ा वो जो कंबस्शन होती है उससे 4 स्ट्रोक क्रिएट होते हैं। तो वो अप्रोच आज भी वही है कि वो स्टीम से भी वही भाप से वो प्रेशर बनता था और आज उससे भी ये प्रेशर ही बन रहा है। तो उसको लेके नहीं पता था बनाते वक्त कि ये क्या रेवोल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ वो भी एक रेवोल्यूशन साबित हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाते वक्त उसको थोड़ी पता था कि ये इलेक्ट्रिसिटी इतना बड़ा रेवोल्यूशन है। आज किसी मुल्क की अगर बिजली 1 मिनट के लिए बंद हो जाए ना तो शायद वो मुल्क पता नहीं कितने अरब का उसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जो ये ऑयल वगैरह निकालने के प्लांट्स हैं और बहुत सारी और भी मशीन्स हैं उसको बंद नहीं किया जा सकता, बैंकिंग सेक्टर को बड़ा नुकसान हो जाएगा उससे। तो वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप 2 मिनट के लिए बंद हुई ना अगर उसकी बिजली, तो वो सब तबाह हो जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है बिजली इस वक्त। अच्छा, घर में तो चलो लाइट जलती है बहुत ज़्यादा इससे, और या थोड़ा पंखा वंखा ऐसे ही चल जाएगा बस, अगर ठंड है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बहुत सारी मशीन्स होती हैं उसको वो कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। अगर उस मशीन को 10 मिनट के लिए वो बंद हो गई तो उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए पता नहीं दिनों कितने दिन लगाने पड़ते हैं। ये जो हमारी स्टील मिल के अंदर जो मशीनें चल रही होती हैं ये बहुत बड़े साइज़ की मशीनें होती हैं, प्लांट्स होते हैं ये, अगर बंद हो गए ना अगर किसी वजह से तो इसको फ़ौरन फिर चलते नहीं है ये, फिर उसका पूरा प्रोसीजर होता है, फिर उसको दोबारा से स्टार्ट करना होता है। इवन जो टेक्सटाइल के अंदर भी मशीनें होती हैं उसको भी वो कंटिन्यूसली चलाते हैं, अगर वो 15 मिनट के लिए बंद हो गई ना तो फिर पूरा उसका वो प्रोसेस होता है उसको दोबारा स्टार्ट करने का, अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाता है उसके अंदर। तो हमने ये देखा कि जब कोई रेवोल्यूशन आ रहा होता है ना तो उस वक्त नहीं पता होता कि ये रेवोल्यूशन है। तो वेब 3.0 आएगा तो सही, कभी ना कभी, ये 2 के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि आप देखें ना 1 और 2 में कितना डिफरेंस है। 1 में क्या होता था, जस्ट एक पंफलेट होता था, दैट्स इट, कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा, 2 में जो इनपुट लेना शुरू किया ना हमने, इससे पूरे पूरे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इस फीचर पे बेस कर रहे हैं। पूरा का पूरा यूट्यूब जो वेब 2.0 पे बेस कर रहा है। वेब 1 पे कोई यूट्यूब नहीं बन सकता था, कैसे बनता, अपलोड कैसे होता, इनपुट का तो ऑप्शन ही नहीं था। लिंक्डइन जो है पूरा का पूरा, फेसबुक पूरा का पूरा जो है, ये सारा इनपुट आउटपुट पे ही तो चलता है ये सारा। ट्विटर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ये 1 वाला तो कोई भी यूज़ नहीं करते हम, 1 वाला तो हम किसी काम का नहीं है हमारे, हम जितने भी यूज़ करते हैं डेली वो सारे 2 वाला है। वेब 2, github.com वेब 2 है जिस पे हम कोड पूरा का पूरा पुश करते हैं, गूगल ड्राइव है हमारे पास। तो आपने देखा कि ये 1 से 2 पे आने पे ना कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। अगर ये इनपुट वाला ये 2 वाला ख़त्म हो जाए समहाओ, थोड़ी देर के लिए हमसे छिन जाए, मेरा तो सारा डेटा गिटहब के ऊपर है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये मेरी सारी जो मैं ये पढ़ाता हूँ सारा मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी क्रेडेंशियल डेवलप हो रहा है, तो वो तो सारा उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है 2। अच्छा, 3 भी आएगा कभी ना कभी। अच्छा, 3 में क्या होगा वो आइडियाज़ लोगों ने डिस्कस किए हैं
कि अच्छा जी थ्री में ये होगा कि जी अभी सिर्फ क्या होता है क्रिएटर को पैसे मिलते हैं, अभी क्या होता है कि सिर्फ क्रिएटर को पैसे मिलते हैं, तो थ्री में हम चाह रहे हैं कि यार यूज़र को भी पैसे मिले। जैसे अभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने वाला जो बंदा है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता उस वीडियो देखने का, ठीक है, वो सिर्फ पैसे मिलते हैं क्रिएटर को और वो भी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि यार थ्री में ना हम हमारी कोशिश है कि दोनों का स्टेक बराबर हो, यानी व्यूअर का भी कुछ ना कुछ स्टेक हो, उसका भी कोई स्टेक नहीं है और ना उसको कोई बेनिफिट होता है उसका। तो वो कह रहे हैं यार उसका भी कोई बेनिफिट हो, सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हो रही है कि जी सिक्योरिटी ज़रा मज़ीद टाइट हो इसके ऊपर, ठीक है। ये डिस्कस यानी ये गोल्स हैं इनके जो वेब 3.0 में ये चाहते हैं कि हो ऐसा। और कुछ ये पैसों की जो लेन देन है आजकल जो होती है वो कार्ड के ज़रिए होती है, तो ये इनका ख्याल है कि जी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए पैसे की लेन देन का जिसमें ये बैंक्स वगैरह शामिल ना हो और जिसमें कोई डिले ना हो। क्योंकि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं वो तो फौरन पहुंच जाता है, एक सेकंड से भी कम वक्फे में वो मैसेज पहुंच जाता है, पैसे भेजते हैं तो वो उसको जाना 3-4 दिन लग जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस मीडियम से आपने भेजा है। तो जो सबसे फास्ट मीडियम है उसमें भी 2-3 घंटे से पहले नहीं आते पैसे। मिसाल के तौर पर अगर किसी अमेरिकन बैंक से मैं ट्रांसफ़र मारता हूँ पाकिस्तानी बैंक में पैसे, ठीक है, या मैं तो उसके मेरे पास 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है वायर ट्रांसफ़र, तो वायर ट्रांसफ़र तो बाकायदा 3 दिन लगाता है और उसमें वो अच्छे खासे पैसे भी कटते हैं क्योंकि बैंक जो है वो पैसे काटता है, ठीक है। तो वायर ट्रांसफ़र क्या होता है, वो बैंक से डायरेक्ट बैंक में आ जाता है। फिर दूसरा एक तरीका होता है कि जी वो किसी में जो कंपनी है जैसे मास्टर कार्ड वगैरह इनकी सर्विस यूज़ कर लूँ मैं, जिसको हम वन लिंक कहते हैं, वन लिंक ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो मैं वन लिंक ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उसमें भी क्या होता है इंटरमीडिएटरी बैंक्स होते हैं जो जहाँ से वो पैसा होते हुए आता है और मुझे कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं मिलता अगेन, ठीक है। कन्वर्जन रेट जो दरमियान में मौजूद बैंक्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा कन्वर्जन रेट, तो कन्वर्जन रेट सही नहीं मिलता और ये निस्बतन ज़रा जल्दी पहुंच जाता है लेकिन इसमें भी स्टिल टाइम लगता है। फिर हमारे यहाँ तो वो ई चेक का हिसाब किताब नहीं है लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसमें ई चेक बड़े चलते हैं, तो वो ई चेक में भी क्या होता है ज़रा टाइम अच्छा खासा लगता है। अच्छा, जो कार्ड से जो पेमेंट्स होती हैं वो इस वक्त इंस्टेंट है लेकिन मसला ये कि उसमें भी पैसे कटते हैं, 2.5% उसके अंदर ये पैसे काट रहे होते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होती है ना वो इंस्टेंट होती है, वो इसलिए इंस्टेंट होती है कि वो एक्चुअल में उस वक्त पेमेंट होती नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड की कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो कहता है यार बाद में मैं आपको भेज दूंगा, तो वो बैंक एक दूसरे बैंक पे भरोसा कर रहा होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो पेमेंट फ़ौरन हो गई है लेकिन एक्चुअल में वो पेमेंट हुई कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ नंबर गया होता है उधर, हाँ वो सिर्फ अपडेट हो जाता है कि जी अच्छा मैंने पेमेंट कर दी, क्योंकि वो पोस्ट पेड होता है उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे एसेट्स भी बैंक ने मेरे रखे हुए होते हैं अपने पास कि अगर मैं बिल शिल ना दूँ तो वो एसेट उड़ा दे वो, ठीक है। तो या तो वो उसको मुझे पता होता है कि अच्छा जी इसका मेरे पास अकाउंट है बड़ा, या कोई ऐसी गाड़ी वाड़ी कोई ऐसी चीज़ वो उसको पता होता है कि हाँ यार बंदे के पास कुछ ऐसी चीज़ है कि इससे रिकवर किया जा सकता है, तो उसी बंदे को वो कार्ड देते हैं, आम बंदे को वो देते भी नहीं है। तो और क्या होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो एक्चुअल में पेमेंट कुछ भी, क्योंकि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड मिसाल के तौर पर अगर HBL का है तो HBL तो पाकिस्तान के अंदर है और मैं पेमेंट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे Amazon को, AWS को, वहाँ से मैंने कुछ सर्विस बाय की है तो मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो अब ये थोड़ी होगा कि HBL से एक बंदा निकल के भाग के जाएगा Amazon और उसको पैसे पकड़ा के आएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। अच्छा, और तो वो बाद में पेमेंट होती है एक्चुअली, वो क्या होती है कि HBL से मोस्ट प्रॉब्ली कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो भी इंटरमीडिएटरी कंपनीज हैं, तो जब पेमेंट हो जाता है तो आज के दिन की पूरी पेमेंट हुई है वो शाम को एक साथ अल्टीमेटली वायर ट्रांसफ़र ही होता है, और या अब शायद हफ्ते बाद या शायद महीने बाद वो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। फिर बैंक्स के आपस में वो मामलात होते हैं कि जी वो हमने इधर से कुछ देना था तो उन्होंने इधर से कुछ देना था, तो वो आपस में सेटल कर लेते हैं उसको, तो वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं होती उसमें, तो वो सिर्फ बैंक हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो वो पैसे गए थे आपके तो उसके चार्जेस कटे हैं और ये, तो वो उनके कोई चार्जेस बनते ही नहीं है बैंक के एक्चुअली। तो बैंक वालों की क्या है, पांचों इंगली घी में और सर कढ़ाई में एक मुहावरा कहते हैं उर्दू में, पांचों इंगली घी में उनकी सर कढ़ाई। वाले टाइप्स होते हैं ये इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर होते हैं या ये भी सेम, इसमें भी कुछ नहीं होता पीछे, वो तो मतलब डिजिट्स सेंड हो जाते हैं ना। हाँ, डिजिट्स दिख जाते हैं लेकिन वो
वही बाद में ये लोग पे करते हैं ये हाँ आपस में इनके वो एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे जैज़ कैश वालों का जो है इजी पैसा वालों से एग्रीमेंट है कि जी अगर जैज़ कैश से पैसे भेजे जाएंगे इजी पैसा पे तो इंस्टेंटली आपने दिखा देना, वो APIs शेयर की हुई हैं आपस में उन्होंने, लेकिन एक्चुअल जो पैसे हैं ना वो बाद में शेयर होते हैं वो, या मोस्टली वो करने नहीं पड़ता क्योंकि कुछ लोगों ने अगर इजी पैसा से जैज़ कैश पे भेजा है तो कुछ लोगों ने जैज़ कैश से इजी पैसा पे भी तो भेजा है ना, तो वो सेटल खुद ही हो जाता है, तो वो अकाउंट मेंटेन होता रहता है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो कर भी लेते हैं, नहीं करते तो नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। तो वेल, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो वेब 3.0 को लेकर के कुछ गोल्स सेट हैं पहले से कि यार ये वो क्वालिटीज़ हैं जो वेब 3 में होनी चाहिए, लेकिन वेब 3 इज़ नॉट अ रियलिटी राइट नाउ। अच्छा, कुछ टूल्स ऐसे हैं मार्केट में मौजूद जो क्लेम करते हैं कि यार हम ना ये कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन अभी तक एक भी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये कर चुकी हो, एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में इतने ज़्यादा पैसे कटते हैं कि बेड़ा करके क्रिप्टो को अगर ट्रांसफ़र करो ना एक जगह से दूसरी जगह तो इतने अच्छे खासे पैसे काट लेता है वो, गैस फीस जिसको ये कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने 20 इथेरियम अगर भेजें, ठीक है, 20 इथेरियम का मतलब है कि काइंड ऑफ $1,000 तक का चल रहा है अभी इथेरियम, तो 20 इथेरियम का मतलब मैंने $20,000 भेजे हैं अगर, तो वो मुझसे पता नहीं 2% से भी ज़्यादा काट लेता है, क्योंकि वो तो गैस फीस परसेंट के हिसाब से होती है इनकी, तो पता नहीं 2% अगर या 3% काटता है मेरा ये, तो वो तो वही हो गया बात जो मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ, उतने ही पैसे बन गए, $300 कट जाएंगे उसके, तो मैं बैंक से भेजूँ या उससे भेजूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों का ख्याल था जिनको पता नहीं था कि ये क्रिप्टो क्रिप्टो क्या होती है, उनको लगता था कि ये बिल्कुल प्राइवेट है, किसी को पता नहीं लगेगा। भाई पता कैसे नहीं लगेगा क्या बकवास है, वो तो एक डिजिट होता है आपका वॉलेट, तो वो वॉलेट किसी ना किसी नाम से ही रजिस्टर होता है ना भाई, जब आप बाइनेंस पे या किसी भी इसके जो ऑनलाइन एक्सचेंजेस उधर रजिस्टर करते हो, वो तो पूरा मुंह ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे मुंह करो पूरा अपना, हर तरफ से मुंह देखता है, फिर NIC मांगता है, सब मांगता है, तो आपका जो अकाउंट बना है वो यार आपके नाम से रजिस्टर है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि आपने किसी को पैसे भेजे और इनको पता नहीं लगेगा कि आपने क्या किया, ऐसा थोड़ी होगा। या इवन अगर आपने कोई वो ऑफलाइन वॉलेट्स भी होते हैं तो उसमें भी अगर आपने रखा हुआ है तो जब भी आप पेमेंट करेंगे पता लगता है कि इस वॉलेट से इस वॉलेट तक मूव हुई है, हाँ, वॉलेट एड्रेस, तो जब आपकी तलाशी ली जाएगी घर की तो आपका वॉलेट तो निकलेगा ना आपके, भाई जेब में आपके वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं तो किसी को तो ऑनलाइन तो नहीं पता लग रहा ना कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, है ना, ऑनलाइन तो किसी को नहीं पता ना कि आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं, लेकिन जब आपकी कोई तलाशी लेगा तो वो पैसे निकलेंगे ना आपके पास से, जैसे सोना घर पर छुपाते हैं वो भी निकलता है तो ये वॉलेट भी निकलेगा, और इस वॉलेट के अंदर जब वो उसको उस फॉरेंसिक पे वो जाएगा, जैसे मोबाइल फ़ोन भी जाते हैं ना फॉरेंसिक पे, तो वो उसके पता लगेगा ना कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, कितने पैसे पड़े हैं। तो ये एक अजीब सी बात है लोगों में फैला हुआ है कि यार पता नहीं, बिल्कुल ही प्राइवेट होता है, बिल्कुल ही पता नहीं लगता, और ब्लैक मार्केट में, भाई ब्लैक मार्केट आज से 100 साल पहले भी चल रही थी, 100 साल पहले ब्लैक मार्केट ऑनलाइन नहीं थी, अब ऑनलाइन है, तो वो 100 साल पहले भी कुछ ना कुछ करते थे, अभी भी कुछ कर रहे हैं और आगे भी वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ब्लैक मार्केट वालों का मुकाबला हमने नहीं करना। तो वो जो गोल्स थे ना, जो 3.0 के जो गोल्स सेट हैं, वो एक भी कंपनी अभी तक ऐसी मार्केट में मौजूद नहीं है जो उन गोल्स को फुलफ़िल करती हो, एक भी नहीं है। अच्छा, मेटावर्स की बात करते हैं कि जी वो तो ना मेटावर्स होगा, मेटावर्स आप में से मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी यूज़ किया होगा, मैंने भी नहीं किया, मैंने देखा है एक दिन, मैंने खोल लिया था वो सैंड बॉक्स इनका, तो बस 15-20 मिनट मैंने उसको यूज़ किया ना, मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, मैंने उसको बंद किया अभी, मैंने कहा यार IGI की ग्राफिक्स इससे ज़्यादा अच्छी है, जो इस वक्त मेटावर्स में जो ग्राफिक्स है ना, IGI की ग्राफिक्स उससे ज़्यादा अच्छी है, तो वो बिल्कुल ही वाहियात है। अब मैंने कहा यार इधर मैं करूँ क्या, इधर फेसबुक तो मैं डेली खोल रहा हूँ ना, लिंक्डइन खोल रहा हूँ, यूट्यूब मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेटावर्स कोई अभी इस वक्त रियलिटी नहीं है, वो ऐसी हवा के अंदर बात है। तो क्या कहते हैं, कोई एक भी कंपनी मुझे अभी तक नज़र नहीं आई जो 3.0 के किसी एक गोल को भी प्रॉपरली फुलफ़िल करती हो। तो जो 3.0 का जो कोर्स जितने भी लोग करवा रहे हैं, वो असल में टूल्स तो कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन वो टूल्स ऐसे ही हैं अभी, वो इस वक्त डिपेंडेबल नहीं है वो टूल्स, ठीक है। तो हम इस वक्त जो स्टेबल वर्जन है हमारा वेब का, जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी जॉब्स भी मौजूद हैं और जो प्रॉपरली यूज़ हो रहा है मार्केट में, एंटरप्राइजेज जिसको यूज़ कर रहे हैं, इदारे जिसको यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेब 2.0, जो स्टेबल वर्जन है उसका, तो हम यहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वेल, तो हमने ये कुछ ना ओवरव्यू लिया, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी था यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बात डिस्कस करना, क्योंकि ये 2 और 3 का ना शायद
क्योंकि मैं पहले भी कुछ सेक्शन पढ़ा चुका हूँ ना ये वेब के, तो मेरे पुराने कुछ सेक्शंस हैं उसमें स्टूडेंट्स के ये सवाल आए थे, तो मैंने ये सोचा कि इसको इसी पॉइंट पे क्लियर किया जाए इन सवाल को, कि वो सवाल क्या थे कि जी अच्छा सर वो तो सब लोग तो वेब 3 पढ़ रहे हैं तो हम 2 पढ़ रहे हैं तो ये तो पुराना वर्जन हो गया, तो वो ना कहीं एक बात आ जाती कि यार ये तो हम पुरानी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ पुरानी चीज़ एक्चुअली, वो ये है कि नई चीज़ जो है ना वो आई नहीं है अभी तक जिसकी लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस लोग पता नहीं अपनी मार्केटिंग के लिए बोल देते हैं क्या बोल देते हैं। सैलानी वालों ने भी बाई दफे एंट्री टेस्ट में लगाया हुआ था ना वेब 3 लिख के, है ना, लेकिन वेब 3 एग्जिस्ट नहीं करता। वेल अब तो वो उनकी ग्राफिक्स की टीम है, उनको नहीं पता कि वो क्या चीज़ें होती हैं, तो वेब 3 राइट नाउ एग्जिस्ट नहीं करता, लोगों ने लिखा हुआ पता नहीं हाइप बना दी है बिला वजह। अच्छा एक और भी अभी वो बीच में हाइप चल रही थी ना उसकी, मेटावर्स भी जो है, मेटावर्स की भी जो हाइप है, तो मेटावर्स भी एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो एक ही प्लेटफॉर्म है बस, उसमें जाओ वैसे से वो कैरेक्टर होता है वो पबजी की तरह बनाया हुआ है उन्होंने, उसमें आप इधर उधर घूमते हो बस, वहाँ पे कुछ बंदे वंदे होते हैं उससे चैट करते हो आप, दैट्स इट, तो इससे ज़्यादा अभी उसमें भी कुछ है नहीं। तो ये मेटावर्स, ये वेब 3 और ब्लॉकचेन भी सही मानों में जो है ना अभी तक स्टेबल नहीं है, और बस लोग बातें तो बहुत करते हैं कि भाई ब्लॉकचेन ये कर देगा ब्लॉकचेन वो कर देगा, और कोर्स जब उनका शुरू होता है ना तो मेटा मास्क पे एक वॉलेट बनवाते हैं और एक वो इथीरियम का टोकन बनवाते हैं और उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है फिर वहाँ पे। तो ये जो है ना इथीरियम के भी जो कोर्सेज जितने भी करवा रहे हैं लोग, तो वो बस एक टोकन बनवाते हैं वहीं उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है, यानी ज़्यादातर कोर्सेज में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक भी नहीं जाते, तो फिर वो बोलते हैं कि यार ब्लॉकचेन की ना फिर जॉब मिलेगी आपको। जॉब कैसे मिलेगी आपको जब आपको जो थोड़ा सा हेलो हेलो करवा के आपको घर भेज दिया, तो जॉब कहाँ से मिलेगी आपको। वेल तो हम आगे देखते हैं जिस बुक में क्या यहाँ पर डिस्कस हो रही है बात। अच्छा जी, ये हमारे पास ना एक फॉर्म इन्होंने बनाकर दिखाया है HTML में, जिसमें ये यूज़र की कुछ डिटेल्स ले रहा है और उसके कुछ रिव्यूज़ ले रहा है। अच्छा, नेम, ईमेल वगैरह यहाँ पे इनपुट लिया गया है, उसके अलावा आप देखें यहाँ पे एक ख़ास तरह का इनपुट बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें यूज़र से यस नो का सवाल पूछा जा रहा है, तो अभी हम इसको देखते हैं, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं आगे। अच्छा अब यहाँ पे ना ये वाई फॉर्म्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अभी। अच्छा वो कह रहा है कि यार गूगल का जो सर्च पेज होता है ये वाला, ये फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पे भी आपको कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है ना दैट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म, ठीक है, और क्योंकि हम तो पेपर पे जो फॉर्म देखते हैं उसमें तो हमें आमतौर पे आदत है कि ज़्यादा खानों वाला ही उसको फॉर्म समझता है, पेपर पे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक ही फील्ड हो ऐसी और फॉर्म हो वो, लेकिन एक्चुअल में जो क्या होता है वेब में ना उसका रीज़न है, ये सिंगल सिंगल फील्ड वाला ना जो फॉर्म आजकल देखने को मिल रहा है इसका एक रीज़न है बहुत बड़ा, रीज़न ये है कि जो ज़्यादा खानों वाला फॉर्म होता है ना यूज़र उसको देख के भाग जाता है, उसका नहीं दिल करता, मेरा नहीं दिल करता कि मैं इतना लंबा फॉर्म फिर फिल करूँ। सही है, यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा मैंने एडमिशन लिया था तो वो इतना बड़ा फॉर्म पकड़ा देते थे, तो मेरी वो फॉर्म को देख के हट जाती थी, फिर वो फॉर्म भरने के बाद जब वो देखता था मैं लाइन लगी भी होती थी जमा कराने के लिए, उसको देख के मेरी फिर और हट जाती थी। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले और वो पेपर पे फॉर्म भरवा रहे हैं और लाइन लग के जमा कर रहे हैं और वहाँ पे और फीस वहाँ जमा नहीं होगी, फीस होगी बैंक में जमा, जो बैंक, हाँ जो बैंक कैंपस से इतना दूर है कि लड़के तो चलो बाइक होती है, लड़कियां सारे रक्शे पे जा रही हैं उसको जमा कराना है। अच्छा बैंक में एक अजब बदतमीजी लगी हुई है क्योंकि वो बैंक है इतना सा, बंदे इतने उसके अंदर आए हुए वहाँ पे सारे पागल हुए हैं। अच्छा और पता नहीं, हाँ बैंक में, हाँ एक फॉर्म बैंक वाला भी दे देता है, कहता है इसको भरोगे आप और इसके साथ पैसे स्टेपल करोगे और फिर आप हमें दोगे, और पैसे कितने हैं वो पता नहीं, 1150 पता नहीं 1650, 1650 रुपये के लिए एक जलालत फीस जमा कराने के लिए, और उधर लाइन लगो फिर इधर आके लाइन लगो फिर उसको जमा कराओ। अच्छा वो जमा करने वाला जाहिर है वो जब इतने सुबह से शाम तक वो फॉर्म लेगा तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो फिर सीधे मुँह बात नहीं करता, फिर उससे और हटती है बंदगी। तो ये जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हैं यूनिवर्सिटीज़, ये मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था उसका नाम है उर्दू साइंस, कराची में वो, ठीक है, तो मैं उस समेत जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये हरकत हो रही है मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, आज तक इनसे अपना नहीं मसला हल हुआ कि एक फॉर्म ये ऑनलाइन बना के एक ऑनलाइन पेमेंट ये नहीं ले सके आज तक,
और हर साल पता नहीं कितने हज़ार ग्रेजुएट ये तैयार कर रहे हैं। अच्छा ना उन ग्रेजुएट्स को कोई जॉब मिल रही है, तो उन्हीं में से किसी को बोल दें कि अच्छा यार तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, हमारे पास बजट तो होता है ना इनके पास अच्छा खासा, तो पौधे वौधे तो सही लगा लेते हैं उन बजट से। जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं ना, जब वो जिनका बजट अच्छा होता है वो पता है क्या करते हैं, वो पौधे लगा देते हैं। मतलब जैसे ही जब कोई आए ना अंदर, तो पौधे बाहर ऐसे दिखें कि ज़बरदस्त हो जाए, और उस पौधे पे तीन चार माली उन्होंने तैनात किए हुए होते हैं, वो कहते हैं भाई कड़क रखना है उसको। हाँ अच्छा, और प्लस जो उधर आने जाने वाले लोग हैं उन पे ऐसी मतलब वो कड़क कर देते हैं कि उस घास पे कोई पैर भी ना रख सके। अगर आपने उस घास पे पैर भी रख दिया ना, तो वो दौड़ता हुआ आएगा मालिक, यार ये आपने क्या कर दिया, ये आपको पता है अमेरिकन घास है और आपने इसके ऊपर पैर रख दिया, ये ट्रैक बना हुआ है, इस पे आप चलेंगे, समझ रहे हो। तो वो मतलब उन्होंने ऐसा कड़क किया हुआ होता है ना कि बाहर से बंदा देखे बोले यार इदारा कितना खुशहाल है, और जब आप उस इदारे के कमरों के अंदर जाएँ तो वहाँ पर जो है ना टूटी हुई चेयरें पड़ी होती हैं, और वो वहाँ पे कोई भी आप बात करें तो वो कहते हैं यार वो तो बजट ही नहीं है, वो तो यही नहीं है, वो तो वही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी उस टाइम फिर लॉस में हो जाती है। तो भाई ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, अच्छा मैं अगेन किसी को भी मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि यूनिवर्सिटी छोड़ दे, और ना ही मैं ये मशवरा दूंगा कि यूनिवर्सिटी पढ़ता रहे, वो आपका अपना मसला है, आपने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े। कल को कोई मुझे ना बोल दे कि सर आपने बोला था कि आप छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा कि छोड़ दो। हाँ लेकिन लेकिन आप सब लोग अकलमंद हैं, आप सब लोगों को नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा किसी को नहीं नज़र आ रहा तो वो देख ले प्लीज़, आपसे पहले भी कुछ लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कभी तो आते होंगे वो डिग्री शिग्री के चक्कर में, दिखते होंगे मंडलाते हुए इधर उधर, उनको पकड़ें, उनसे इंटरव्यू लें कि आपने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है कैसा लग रहा है आपको अभी, तो वो आपको बता देगा कैसा लग रहा है। तो उसके अंजाम को देखते हुए आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, सही है। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेंगे तो आपका अंजाम वही होगा जो उस बंदे का है, ठीक है। अब उसका क्या अंजाम है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद देखेंगे जाके। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ एक हेड स्टार्ट दे सकती है, इवन यहाँ पे भी जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक हेड स्टार्ट दिया जा सकता है। जितनी यहाँ पे बुक अभी डिस्कस हो गई है ना, ये इससे कहीं ज़्यादा डेटा इस बुक में मौजूद है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन वो सारी बात तो डिस्कस यहाँ हो नहीं सकती ना। फिर कोड आपको तो खुद लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो कभी भी आप किसी एक इदारे पे अगर डिपेंड होकर रहेंगे ना, तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो चाहे वो सैलानी हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, लेकिन अब रास्ते की बात है, अब यूनिवर्सिटी वाले में तो वो कोई वो रास्ता वास्ता बताने का सीन है नहीं उनका। अच्छा मैं यहाँ पे मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको रास्ता बताऊँगा पैसे कमाने का। अच्छा लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपने खुद है ना, मेहनत आपने खुद करनी है, ठीक है। तो आपको ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंसी ख़त्म करनी होगी, सेल्फ लर्निंग करनी होगी, मेहनत करनी होगी, आपको बुक्स को पढ़ने की आदत डालनी होगी। हमारे यहाँ आम तौर पे बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बुक्स को पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है, ठीक है। टीचर्स भी क्या करते हैं, वो नोट्स स्लाइड्स बना देते हैं, वो कहते हैं यार इसी स्लाइड से एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। अब उसी स्लाइड से MCQs आता है और उसी स्लाइड से एग्ज़ाम करके पास हो जाता है बंदा, ठीक है। लिहाजा बुक पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है। तो प्लीज़ ये बुक जो आपके सामने खुली हुई है, इस बुक को पढ़ने की आदत डालें, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके साथ अगर ये बुक आप पढ़ना सीख जाएं। देखें बुक असल में पढ़ने का ना एक एक आदत होती है, वो आदत आपको वंस हो गई ना अगर, तो बुक पढ़ना मुश्किल नहीं है, बुक पढ़ना आसान है। तो किसी तरह आपने कोशिश करनी है कि बुक पढ़ने की एटलीस्ट आपको आदत पड़ जाए, थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग करने की आदत पड़ जाए आपको, इंटरनेट से ना आप सेल्फ लर्निंग कर सकें, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के। जैसे अभी मैंने आपको अभी MDN करके एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये पूरा HTML वगैरह जो है ना सारा, वो उसका मोज़िला वालों ने एक डॉक्यूमेंट तरतीब दिया है MDN। तो हम कई दफ़ा क्या करेंगे, उसका रेफरेंस ले रहे होंगे, हम कोई चीज़ इस बुक में ज़रा पुरानी होगी तो हम वह MDN से जाके देखेंगे नया वाला, क्योंकि बुक तो फिक्स हो गई ना, बुक तो चेंज नहीं होती। उसके बाद HTML में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स करके एक चीज़ है, वो इस बुक में उसका जिक्र नहीं है, तो वो हम उसके लिए एक आर्टिकल अलग से देखेंगे, उसमें उन्होंने अच्छा समझाया हुआ है, तो वहाँ से देख के हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जब भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि बुक को आप ना प्लीज़ पढ़ें, तो ये पहला स्टेप है आपका सिर्फ बुक पढ़ने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशंस, डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स, किसी नए टॉपिक को आपने सीखना है, एक्सप्लोर करना है, तो वो आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे वह भी हम इस कोर्स में वक्तन फवक्तन देखते जाएंगे, ठीक है जी। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है इस कोर्स में,
कि जैसे ही ये कोर्स ख़त्म हो तो फ़ौरन आपकी इंटर्नशिप लग जाए। अच्छा वो, लेकिन वो भी मैं नहीं लगवा सकता, वो भी करना आपने खुद। अच्छा उसके लिए मैंने रास्ता क्या बताया, जितने भी असाइनमेंट्स मैं आपको देता हूँ गिटहब में आप पुश करेंगे, इसको लिंकडिन के ऊपर आप पोस्ट करेंगे, आप लिंकडिन के ऊपर कनेक्शन बनाएंगे ना, लिंकडिन के ऊपर आपका प्रोफाइल हरा भरा होगा ताकि किसी को पता तो हो ना आप क्या करते हैं, तो वहाँ से आपकी हायरिंग होगी। अच्छा और बाई द एंड ऑफ दिस कोर्स हमारी कोशिश होगी कि हम फेसबुक जैसी एक एप्लीकेशन भी बना लें जिसके अंदर एक पोस्ट कर सके बंदा, सामने वाले की पोस्ट को लाइक कर सके, चैट वगैरह कुछ कर सके उसके अंदर, है ना। तो फेसबुक जैसी कुछ एक एप्लीकेशन जिसमें डेटाबेस भी हो सर्वर भी हो, तो इस तरह की आपने एक एप्लीकेशन अगर बना ली तो वो एप्लीकेशन आप दिखाएंगे ना किसी को जाके, तो जॉब आपकी, वो ये नहीं बोलेगा कि यार मैं रख नहीं रहा आपको, पैसों पे हो सकता है वो बात करे कि अच्छा जी हमारा बजट ज़रा कम है तो थोड़े कम पैसे ले लें, है ना, मतलब आप शायद लाख रुपये मांग रहे होंगे तो आपसे कहेगा यार 50,000 ले लो, तो ये तो बात होगी, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि यार आपको मैं रख नहीं रहा। सही है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा नीड है, कोई बंदा नहीं है इस वक्त, ज़ीरो कॉम्पिटिशन पर इस वक्त खड़े हैं आप, वेब डेवलपमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा नीड है कि कोई बंदा नहीं है इस वक्त। तो आज की क्लास को मेरे ख्याल हम यहीं तक रखते हैं इस अज़म के साथ कि भाई बुक पढ़नी है, मेहनत करनी है, सेल्फ लर्निंग की आदत डालनी है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर आपसे नेक्स्ट।